आम जनता के टैक्स के पैसे जा रहा है, आपको वेतन मिल रहा है, उसमें से आप कह दो भाई मेरा तो काम 20,000 में चल जाएगा तो मैं क्यों इतना पैसा लूंगा। इस तरह बेतुकी बातें करते हुए आप खुद ले रहे हो और दूसरों को आप ज्ञान बांट रहे हो। वो कमेटी एनपीएस में सुधार के लिए है जिसको देश का 1 करोड़ एनपीएस कर्मचारी उसको रिजेक्ट करता है। आप एक वैकेंसी निकालो, 20,000 में एमपीए मेले तैयार हैं। 2004 के पहले, 2005 के पहले, 2008 के पहले, ये क्या खेल खेल रही सरकार। जिस सरकार के पास देश के सैनिकों के पैसे, उसको शर्म में डूब जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। उसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि हम वोट की छोड़ देंगे। जो वचन कहाँ है, 7 साल हो गए हैं, वो आप पत्र कहाँ मनमोहन सिंह को लिख रहे थे, एक बार पलट के लीजिए, देख लीजिए। जो नौ रोजगार आप दे नहीं रहे, कम से कम पुरानी पेंशन तो बहाल कर दो, ये भी आपके वोटर हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। देखिए वित्त सचिव साहब टीवी शोभनाथन साहब ने बात कही है, ठीक है उन्होंने बात कह दिया है, मैंने उनकी बात को सुन लिया, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल हैं। आप खुद ओल्ड पेंशन में हो, तो अगर आम नागरिक का इतना चिंता है तो आप पहले खुद कहिए कि मैं इसको विड्रा करता हूँ, मैं नहीं लूँगा। 2,25,000 आपका वेतन है, आम जनता के टैक्स के पैसे जा रहा है, आपको वेतन मिल रहा है, उसमें से आप कह दो भाई मेरा तो काम 20,000 में चल जाएगा तो मैं क्यों इतना पैसा लूंगा। आज मैं बता रहा हूं पूरे देश के अंदर, जब से उनका ये बयान आया पूरे देश के अंदर थुथू हो रही है कि आप कौन से कौन भाई ओपीएस लेने वाला एनपीएस खुद ही कैसे बता सकता है। या तो वो खुद कहें कि हम एनपीएस लेंगे तो आप लेंगे, तो वो कोई मतलब नहीं है। और मैं तो जानता हूँ ये उनका बयान नहीं है, ये हम भी समझ रहे हैं ये सरकार का बयान है। सरकार ने उनके मुंह से, अपने मुंह के बजाय उनके मुंह में अपनी आवाज़ डाली है और वो मजबूर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। मैंने आज फेसबुक पर लिखा गवर्नमेंट सर्वेंट आप भी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। एक 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 देश में दो नीति कैसे हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों आपका मुद्दा एक ही है, ओल्ड पेंशन बहाल करो, परंतु क्या कांग्रेस कर पाएगी या भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। परंतु दोनों पार्टियों के बीच में तो कर्मचारी पस्क रह गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो बोल भी दिया कि अगर हम ओल्ड पेंशन बहाल करते हैं तो भारतीय नागरिकों पर बोझ पड़ेगा, जबकि बजट में 4% पेंशन पर व्यय किया जाता है। तो आप ऐसा क्या करें कर्मचारी कि वोट की चोट पर अपना अधिकार ले सके। परंतु ये कैसे संभव कि आप कर्मचारी होने के नाते कितने स्टूडेंटों को, कितने नागरिकों को, कितने मजदूरों को, कितने परिवारों को आपने समझाया कि ओल्ड पेंशन और एनपीएस पेंशन में क्या अंतर है। अब कर्मचारी से कुछ नहीं होने वाला, जनता को साथ लेना होगा, स्टूडेंट को साथ लेना होगा, मजदूर को साथ लेना होगा, और वो जब ही आएगा जब ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में अंतर समझ में आएगा। और वो अंतर कौन बताएगा, आप कर्मचारी बताओगे। ये वीडियो शेयर कीजिए सभी कर्मचारियों को, यही सच्चाई है। ऐसे ओल्ड पेंशन बहाल नहीं होने वाली, रैलियां करने से, प्रदर्शन करने से, लेटर लिखने से। आपका लेटर, प्रदर्शन और रैलियां ने तो बतला दिया कि लोकसभा में आपका मुद्दा उठा है, हर रोज मुद्दा उठता है इस सत्र में। परंतु यही जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि वोट की चोट पर हम सरकार को विपक्ष में बिठा सकते हैं या फिर विपक्ष पार्टी को हम सरकार में ला सकते हैं, यही चोट है। और ये 5 साल में एक बार मौका होता है, और अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव है। अगर इसमें आपने काम करके दिखाया और कर्मचारियों का हक लेने के लिए आपने अपने अंगुली की स्याही पर अपना अधिकार हक लिख दिया तो आपको ओल्ड पेंशन बहाल लेने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हम कर्मचारी बोर्ड से कुछ नहीं होगा, कर्मचारी का 4 परिवार से कुछ नहीं होने वाला। आपको जनता को समझाना होगा, आपको स्टूडेंट को समझाना होगा, और आपको हर उस नागरिक को समझाना होगा जिस नागरिक का बेटा सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा है। अरे अकेला विजय बंधु जी क्या करेंगे, आप अकेला क्या करोगे। आपका कर्तव्य यही है कि आज आपने कितने आदमियों को ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन के बारे में समझाया, वही आपको हक दिलाएगा। और ये चोट हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में लगनी चाहिए। मैं कहता हूं 100% जो आज वित्त मंत्री सोमनाथन जी कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन बहाल नहीं करेंगे, वही कहेंगे कि हमने कमेटी बनाई है और कमेटी का फैसला है कि हम 50% या हूबहू ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, ये 100% है। तो दोस्तों ये ऐसा क्यों प्लान नहीं बना रहे हैं, ए और बी दो प्लान होना चाहिए। रैलियां, प्रदर्शन और लेटरबाजी से तो हम सरकार तक जता सकते हैं,
पर सरकार को बतलाना होगा कि हम कर्मचारी हैं, कर्मचारी अगर सरकार पार्टियों को सत्ता में बिठा सकते हैं तो सत्ता वाली पार्टी को बेदखल भी कर सकती है। तो दोस्तों विजय कुमार बंधु जी ने बिल्कुल सही कहा कि चल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, मैं आपको इंटरव्यू भी बताऊंगा। तो हम कर्मचारियों को क्या करना है आप ही सोच सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों हरियाणा में 100% कर्मचारी जीतेगा, महाराष्ट्र में 100% कर्मचारी जीतेगा, पर जीतेगा कब, जब हम दूसरों को आत्मविश्वास भरेंगे। स्टूडेंट फट क्यों रहा है नौकरी के लिए, और नौकरी पाना चाहता है परंतु उसको पता नहीं है कि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में क्या अंतर है। जब वो नौकरी पे आएगा उससे पहले हम बताएंगे, तो जरूर वोट की चोट पर हम सरकार को सबक सिखा सकते हैं, परंतु कैसे, यही है हमारा बुढ़ापे की लाठी को पाने के लिए। और वो कर्मचारी और आम नागरिक भी समझता है कि न्यू पेंशन स्कीम में क्या है। तो दोस्तों आप समझिए, परंतु एक और बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार नहीं है, एनडी की सरकार है, ये बड़ा मौका है। परंतु क्या हम कांग्रेस को सत्ता में लाते हैं तो क्या वो ओल्ड पेंशन बहाल कर पाएगी? हम जाए तो कहां जाए, परंतु उत्तर प्रदेश राज्य से कई सांसदों ने लोकसभा में जमकर मुद्दा उठाया है, बहुत ही ज्यादा मुद्दा उठाया है, पंजाब से भी मुद्दा उठा है, राजस्थान से भी मुद्दा उठा है, हर राज्य का लोकसभा सांसद ओल्ड पेंशन पर मुद्दा उठा रहा है। सरकार को पता है, परंतु ये दो राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप क्या सोच रहे हो कि आप आज से ही समझाएंगे कितने आदमियों को कि ओल्ड पेंशन इन पेंशन में क्या अंतर है? जरूर अगर आप समझाने में कामयाब होते हैं तो ओल्ड पेंशन हूबहू आपकी मंजिल जरूर आपको मिलेगी, परंतु अभी आपका भी होपलेस नहीं हो, आज नहीं कल नहीं, पार्टियां बदलती रहती है, सरकार आती जाती रहती है, जरूर ओल्ड पेंशन बहाल हो। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत। सभापति महोदय, जब जब बीजेपी की सरकार, जब जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए, 10 साल से आप सत्ता चढ़ा रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो, पूरा देश आज ओपीएस के लिए सरकारी कर्मचारी परेशान है, कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन हम मांग करते हैं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए, मैं मांग करता हूं। आप राष्ट्रभक्त है ना, सीमा पे जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए, वो आप ओपीएस नहीं दे पाओगे। इसी तरह से सभापति महोदय, देश के अंदर ओपीएस, ओपीएस, जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद।